शहर में जिस तरह से धड़ल्ले से नायलॉन मांझे की बिक्री हो रही है, जिसके चलते कई बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी नायलॉन मांझे पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा इकाई ने बुधवार को महापौर दयाशंकर तिवारी का घेराव किया। समय आपकी युवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश तितरमारे, पीयूष आकरे, प्रभात अग्रवाल, ओमारिकर, आकाश कावले, विजय धकाते और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। मानेवाड़ा के अंदर में कल प्रणय ठाकरे नाम के एक बच्चे का, 17 साल के एक बच्चे का मांझे की चपेट में आने के कारण, नायलॉन मांझे की चपेट में आने के कारण मृत्यु हो गई। उसका गला कट के वो व्यक्ति वहीं पर स्पॉट पे मर गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 8-10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि नायलॉन मांझे पे प्रतिबंध है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। अगर प्रतिबंध है तो वो नागपुर के अंदर में बिक कैसे रहा है? पिछले 10-15 साल से लगातार भाजपा की सरकार है यहाँ पे। ये सरकार इधर के महापौर, इधर के कमिश्नर कर क्या रहे हैं? जनता ने क्या इसीलिए इनको चुन के दिया कि जो बच्चे, नौ निहाल बच्चे, 17-18 साल के बच्चे आज उसकी चपेट में आकर मर रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन लोगों ने जो यहाँ पे बैठे हैं बेशर्मी के साथ में, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे महापौर साहब, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर नगर पालिका, महानगर पालिका इन लोगों से नहीं संभलती तो ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? आज नागपुर की जनता ये सवाल पूछ रही है इन लोगों से कि क्या कारण है। पिछले कई समय से ये आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। मकर संक्रांति के लिए पहले से ही प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। नायलॉन मांझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद चोरी छिपे नायलॉन मांझे की बिक्री की जाती है। इसके खिलाफ शहर में अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे तरीके से शहर में नायलॉन मांझे की बिक्री हो रही है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन कर महापौर का घेराव किया गया। कृतल आकरे, आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी महाराष्ट्र सदस्य। आज आपल्या नागपूरमध्ये काल आपण निघडलेली घटना बघितली, ज्यामध्ये एक 20 वर्षाचा युवकाचा नायलॉन मांझ्याने मान कटल्या गेली। आपण वारंवार हर वर्षी आपण नायलॉन मांझ्याचा विरोध करत असतो, सरकार फक्त जुमलेबाजी देतात की यावर्षी आम्ही नायलॉन चालवणार नाही, तरी सुद्धा मार्केटमध्ये नायलॉन मांझ्या विकल्या जाते। शुक्रवारी मार्केटमध्ये, जुनी शुक्रवारी मार्केटमध्ये तुम्ही बघाल तर नायलॉन मांझ्या दुकानामध्ये आहे, तरी सुद्धा महापौरांना माहित असून, नागपूर आयुक्तांना माहित असून यावर काही कारवाई केली जात नाही। त्याचा परिणाम स्वरूप नागपूरचा एका युवकाची मृत्यू झालेली आहे, नागपूरचा एक युवक आम्ही गमवलेला आहे। ह्याच प्रकारे काही प्रत्येक वर्षी पक्षी, लहान लहान मुलं, हे यांची मृत्यू नायलॉन मांझ्यामुळे होत असते। हे झाल्यावर सुद्धा हे लोक डोळे बंद करून बसलेले आहे, कानामध्ये त्यांचा आवाज सुद्धा येत नाही, एक आईची तडप त्यांना समजत नाही, एक परिवाराने आपला एक मुलगा गमवलेला आहे आणि हे शांत बसलेले आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपूर।